देखिए क्वेश्चन नंबर 42 दिख रहा है आप लोगों को? बोल यस मैम, दिख रहा है। रहा है कि यदि एक पानी के टैंक में 500 लीटर पानी है तो उसमें से 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने बर्तन भरे जा सकते हैं। ठीक है, 250 लीटर की क्षमता वाले अधिकतम कितने लीटर भरे जा सकते हैं। इस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करेंगे? मान लीजिए एक बड़ा बाल्टी है, पूरी तरह से पानी से भरा 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 है, और हम लोग एक जग लिए, उस जग की कैपेसिटी कितनी है? 250 मिलीलीटर की है, और बाल्टी में पानी स्टोर करने की कैपेसिटी कितनी है? 500 लीटर की है। ठीक है, 500 लीटर की है, 42, 500 लीटर की है। तो क्या बोल रहा है कि वो जो हम लोग का जो जग है, उस जग में, उस बाल्टी के पानी को हम कितनी बार जग में भरेंगे, ठीक है, तो वह बाल्टी जो है भर जाएगा। 500 लीटर को हम लोग, 500 लीटर जो पानी है, उस 500 लीटर पानी को हम लोग 250 मिलीलीटर की क्षमता वाले अगर बर्तन में डाल रहे हैं तो कितनी बार वह भरा जाएगा, हमें संख्या बतानी है। तो देखिए, 1 लीटर में है, 1 मिलीलीटर में। सबसे पहले तो हम लोग को दोनों को क्या करना है, एक रेशियो में कर लेना है। ठीक है, एक रेशियो में कर लेने के लिए क्या करते हैं, लीटर को हम मिलीलीटर में कन्वर्ट कर देंगे। कुछ नहीं करना है, इतना ये सब चीजें छोटी छोटी चीजें हैं, सबको ध्यान में रखा जाता है कि लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करते हैं। तो लीटर को मिलीलीटर में कन्वर्ट करने के लिए इसको 1000 से क्या करते हैं, मल्टीप्लाई करते हैं, 1000 से क्या करते हैं, गुना कर देते हैं। 1000 से गुना कर देंगे तो इसमें 2 0 और एक्स्ट्रा बढ़ जाएगा। 500 लीटर को अगर मिलीलीटर में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 1000 से गुना किए तो 2 0 हम लोग का क्या हो जाएगा, एक्स्ट्रा, और 1000 से गुना करे तो 2 0 बढ़ेगा कि 3 0 बढ़ेगा, 1000 से गुना। 1 लीटर बराबर 1000 मिलीलीटर होता है ना, 1000 से गुना करेंगे तो 3 0 ना बढ़ेगा, यानी कि 500 और उसमें और 3 0। अब उसको 250 से सिंपली डिवाइड कर दीजिए, भाग दे दीजिए, भाग दीजिए 250 से। 250 हम लोग का 2 बार में ही क्या आ जाएगा, 500 आ जाएगा। 2 बार में 500 आ जाएगा तो 500 पूरी तरह से कट गया और यहाँ का 3 0 बच जाएगा, तो 3 0 उसमें 2 में उतर जाएगा, यानी कि कितनी बार उस जग की कैपेसिटी क्या हो जाएगी हम लोग की, 2000 मिलीलीटर की कैपेसिटी होगी। होगी, ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाएं, ब्लैक बोर्ड पे करके दिखाएं। 42 नंबर, कल वाला नहीं है, कल वाला तो आप लोग सॉल्व भी नहीं किए हैं, तो कल वाला कैसे करवाएंगे, उसके पहले जो भेजे थे 22 तारीख वाला। आया पूजा जी समझ में, कैसे हुआ, ब्लैक बोर्ड पे दिखाएं। यस, देखिए तो ब्लैक बोर्ड पे दिखाएंगे तो हम क्वेश्चन शेयर नहीं कर सकते हैं फिर। क्या है, लोकनाथ कौन है? क्वेश्चन हमको निकालने दीजिए फिर। ज्योतिष सोरेन, अच्छा ज्योति सोरेन, गुड इवनिंग ज्योति जी। कल जो क्वेश्चन पेपर सेंड किए थे वो आप लोग बना ही नहीं है, तो जब बनाई ही नहीं है तो हम कैसे आप लोगों को करवा दें, उसको सॉल्व करेंगे तब तो हम सॉल्यूशन करवाएंगे, बिना सॉल्व किए हम सॉल्यूशन कैसे करवाएंगे। क्वेश्चन नंबर 42, फोर टू 42, चलिए बोल रहा है कि एक पानी के टैंक, इसको निकाल दीजिए। समृद्धि, समृद्धि, देखिए पूजा जी दिख रहा है, गायत्री जी, ज्योति जी, ज्योति नाम है ना आपका, पूरी चरण से रिस्पॉन्स दीजिए। बोल रहा है क्या है, पानी, हम लोग का एक पानी टैंकी जो है, क्वेश्चन नंबर हम लोग का 42 है ये, ठीक है।
पानी टैंकी की कैपेसिटी कितनी है लोग का 500 लीटर, यही ना है, यहाँ देखिए 500 लीटर, ठीक है। और जो हमारा एक जो छोटा बर्तन है, छोटा बर्तन, उसकी कैपेसिटी कितनी हम लोग की 250 मिलीलीटर। तो हम लोगों को बोल रहा है कि जो छोटा वाला बर्तन है, जो 250 मिलीलीटर का जो बर्तन है, 500 लीटर की कैपेसिटी वाले, मतलब सबको दैट ये पूरा बाल्टी है, कितना बाल्टी है, कितने बाल्टी में 5 लीटर का है ना। अब ये छोटा सा एक जग है, इस जग की कैपेसिटी कितनी होगी, मतलब इस पूरे बाल्टी के पानी को हम लोग कितनी बार इस जग में भरेंगे, ठीक है, कितनी बार हम लोग उस जग में भर सकते हैं। तो हमको क्या करना है, सिंपली डिवाइड कर देना है, डिवाइड करके हम आंसर निकाल सकते हैं। लेकिन डिवाइड कब होगा, जब दोनों एक ही फॉर्म में होते हैं, तो ये लीटर में है और ये हम लोग का किसमें है, मिलीलीटर में। तो हम दोनों को एक साथ नहीं कर सकते हैं, हम लोग को क्या करना पड़ेगा, जो हम लोग का लीटर है, लीटर को किसमें कन्वर्ट करना होगा, मिलीलीटर में कन्वर्ट करना होगा। और एक लीटर में बराबर 1000 मिलीलीटर होते हैं, ये हम लोग का कितना मिलीलीटर हो गया, ये भी हम लोग मिलीलीटर है, तो डिवाइड कर दीजिए ना, 250 मिलीलीटर से डिवाइड कर दिए, 2 बार में हम लोग का 500 आ जाएगा, कितनी बार में, 2 बार, ये 3 जीरो उतर गया, ये 3 जीरो उतर गया, ये 3 जीरो यहाँ पे आ जाएगा, यानी कि हमारे इस बर्तन की कैपेसिटी कितनी है, यानी कि 2000 बार इस बर्तन को भरेंगे तो यह बाल्टी का पानी जो है यह अपने पूरा का पूरा पानी यह स्टोर कर सकता है, कितनी बार, 2000 बार, ठीक है। ये होगा हम लोग का आंसर, ऐसा छोटा छोटा क्वेश्चन है, हम आप लोग को टफ टफ नहीं बता रहे हैं, जिसमें ज्यादा दिमाग लगाना है वो नहीं बता रहे थे, छोटा छोटा है। जैसे कि कल आपको जो सम्स बताए थे और आप बोल रहे थे कि मैम कैसे बनेगा, कैसे बनेगा, नहीं समझ में आया था, नहीं समझ में आया था, आया था कि फिर से बता, फिर से बता दे, कौन सा सम्स था हम लोग का, पूजा जी व्हाट्सएप पे क्वेश्चन खोल के रखिएगा, पूजा जी आप प्रेजेंट है ना, हाँ देखिए आपका बच्चा आपसे पहले जवाब देता है। क्वेश्चन है हम लोगों का क्वेश्चन नंबर 34 जो कि कल आप लोगों को बता रहे थे और आप लोग श्रिया जी को समझ में नहीं आ रहा था। देखिए क्वेश्चन नंबर 34 क्या बोल रहा था, केवल एक फिगर दिया हुआ है, उस एक फिगर से हम लोगों को 6 अंकों की संख्या बना देनी है, केवल एक फिगर से 6 अंकों की संख्या बनानी है। देखिए बहुत ही इजी है, हम आपको केवल इजी इजी बता रहे हैं, कोई टफ वाला नहीं बता रहे हैं। बोल रहा है 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर अंक 4 है, 6 अंकों की संख्या है, सबसे पहले तो हम क्या करेंगे, यहाँ पे 6 बिंदु दे देते हैं, पीछे से देखिए, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 6 बिंदु हो गया, 6 बिंदु दे दिए हैं। अब देखिए एक एक करके पढ़ते जाइए और फिगर डालते जाइए कि 6 अंकों की एक संख्या में 1000 के स्थान पर क्या है, 4 है, 1000 का स्थान कहाँ जा रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 1000 के स्थान से क्या दे दिए, 4 दे दिए, देखिए कितना ईजी है। अब बोल रहा है कि दहाई के स्थान पर जो अंक है, दहाई के स्थान पर जो अंक है वह 1000 के स्थान के अंक का 2 गुना है, दहाई का स्थान क्या है, इकाई, दहाई, वो 1000 के स्थान का क्या है, 2 गुना, 2 गुना का मतलब 8, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि सैकड़े के स्थान पर स्थान का अंक जो है 1000 के स्थान का आधा है, सैकड़ा, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000 के स्थान का क्या है, आधा, आधा यानी कि 2 हो गया, आधा हो गया। अब क्या बोल रहा है कि इकाई के स्थान का अंक सैकड़े के स्थान के अंक का आधा है, इकाई के अंक का स्थान, ठीक है, सैकड़ा, सैकड़ा या इकाई, तो सैकड़ा, इसका आधा यहाँ पे आ रहा है, इसका आधा 1 हो गया, हो गया। अब क्या बोल रहा है कि 10,000 के स्थान का अंक 1000 और सैकड़े के स्थान के अंकों का जोड़ है, 10,000 किधर आ रहा है, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, किसके किसका जोड़ बोल रहा है ये हम लोगों का, बताइए तो, 1000 और सैकड़ा,
हजार चार है और सैकड़ा क्या है, दो है, चार दो दोनों का जोड़ कर दिए। अब क्या बोल रहा है कि लाख के स्थान का अंक दस हजार के स्थान के अंक का आधा है। दस हजार का ये स्थान है, ये लाख का स्थान है, इसका आधा बन गया, सब बन गया। यही तो बता रहे थे, इजी है, इजी इजी ही बता रहे हैं। जिसमें कैलकुलेशन होगा, जिसमें ज्यादा फॉर्मूला बनेगा, आ गई सोके, हम वो चीजें नहीं बता रहे हैं आप लोगों को। ओके ओके ओके, इसको कूल डाउन कर रहे हैं अपने आप को। आपको कॉल हम कल की परसों भी किए थे, तो आप कॉल नहीं रिसीव करती हैं जल्दी। कौन से नींद में सो जाएंगे तो साइलेंट कर देंगे, आप कुछ इमरजेंसी होगा कहीं कोई कॉल करेगा। मम्मी कितने बजे, 3-4 बार के सोए थे, कितना 3 बजे सोए थे, सोचिए 1 घंटा आपको कोई फोन करेगा पता नहीं चलेगा, हो गया। समझ में आया ना पूजा जी ये वाला सम्स, इसमें कोई दिक्कत होगा? देखिए आपका एक चीज हम नोटिस किए पूजा जी, आपका CDP आप ट्रिप पे भी बना रही हैं, बहुत अच्छा बना रही हैं। EVS आपका बहुत अच्छा है, हिंदी आपका बहुत अच्छा है, ठीक है। एक मैथ्स अगर और इसमें एक ऐड हो जाए तो आप पक्का निकाल लेंगे CTET बिना थ्योरी पढ़े। थ्योरी हम आप लोग को पढ़ाएंगे, एकदम डिटेल में पढ़ाएंगे, उसका टेंशन मत लीजिए। लेकिन अभी जो हम लोग का जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से हम लोग यहाँ पे काम कर रहे हैं, ठीक है? ठीक, चलिए मातृका निकालना है आप लोग को। मातृका निकालना बताए फिर हमें, क्वेश्चन नंबर 44 देखिए। क्वेश्चन नंबर 44 मातृका बोल रहा है, बोला निम्नलिखित भिन्न संख्याओं की मातृका क्या होगी। माध्यिका का मतलब हम लोग क्या बोले थे, संख्या दिया हुआ है। देखिए क्वेश्चन हम लोग का दिया हुआ है 7/9, 13/16, इसके बाद दिया है 2/3, इसके बाद दिया है हम लोग का 21/25, और इसके बाद क्या दिया है 17/21, यही ना दिया है। देखिए वो हम माध्यिका बताए थे, वो फ्रैक्शन में नहीं था, वो सिंपल फिगर था, उसको हम लोग क्या किए थे, असेंडिंग ऑर्डर में सजा दिए थे, छोटे से बड़े क्रम में सजा दिए, और फटाफट हम लोग उसका क्या किया, पेयर निकाल लिया, बीच वाला जो फिगर आया वो माध्यिका हम लोग का निकल गया, ऐसे निकाले थे। लेकिन ये हम लोग का क्या दे दिया है, फ्रैक्शन दे दिया है। फ्रैक्शन देने का मतलब हम लोगों को इन सबको फ्रैक्शन को इसका न्यूमिनेटर या तो डिनोमिनेटर या तो अंश या तो हर हम लोग को सेम करना होगा, तभी तो हम लोग इसको निकालेंगे कि हम लोग का असेंडिंग ऑर्डर में ये सजेगा कैसे, ठीक है। तो उसके लिए हम लोग को क्या बनाना होगा, सबसे पहले ये सारे फ्रैक्शंस को हमको सेम फ्रैक्शन में, ठीक है, बदलना होगा। इसके लिए क्या करेंगे, इसका एलसीएम निकालेंगे, क्या क्या है हम लोग का, देखिए 9 है 16 है 3 है 25 है 21 है, निकाल लीजिए जल्दी से, 3 16 25 and 21 कैलकुलेशन कीजिए फटाफट, गुणा कीजिए क्या हो जाएगा, 3 16 9 16 9 16
उसमें 25 से इंटू कर देते हैं, इंटू में फटाफट करना होगा। कितना आया? 0, 10, 2, 5, 2 यानी कितना आया हमको का 2.5200 कितना आ गया। हाँ अभी हमको सबको ना उसके इक्वल में करना है। इक्वल में करने के लिए क्या करते हैं, इसको 9 से डिवाइड करेंगे। 2.5200 को हम किससे डिवाइड करेंगे, 9 से डिवाइड करेंगे। कितने बार में जाएगा? 2800 से गुणा करेंगे, जिससे ऊपर वाले को गुणा करते हैं उसी से हम लोग नीचे वाले को गुणा करते हैं। ये सब बहुत लंबा हो जाएगा। 16 से इसी तरह से करके हम लोग निकालेंगे। ये बहुत बड़ा फ्रैक्शन में चला जा रहा है, इसे थोड़ी मत बनाना है, छोड़ दीजिए, इसको छोड़ दीजिए, ये बहुत बड़ा फ्रैक्शन में चला जा रहा है। इसी तरह से क्या करेंगे, जैसे हम लोग अगला फ्रैक्शन में 30/16 तो हम 16 को 25/200 से डिवाइड करेंगे, जितना बार हो जाएगा उतना से इनटू करके हम इसका सबका सेम फ्रैक्शन में इसको कन्वर्ट करेंगे। इसके बाद इसको असेंडिंग ऑर्डर में सजाएंगे और इसके बाद इसका मार्जिन का हम लोग निकालेंगे। क्वेश्चन नंबर 2047 देखिए दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 47 दिया है ज्योति जी, ज्योति जी आपको तो स्क्रीन पे क्वेश्चन दिखता भी नहीं होगा और आपको क्वेश्चन पता भी नहीं होगा। पेज नंबर 47 हम रुकिए, हम स्क्रीन पे शेयर करते हैं क्योंकि वहाँ पे एकदम तो फिर नहीं ना होगा, न्यू कैंडिडेट जुड़ी है ना, उनको क्वेश्चन दिखेगा नहीं, वो फिर वो कैसे करेंगे, उनको क्वेश्चन दिखना चाहिए ना, ऐसे कैसे करेंगे। हाँ अभी के नाम से एग्जाम जुड़ी है। किस तारीख को कहाँ जाएंगे 23 तारीख को? अब एग्जाम तो खत्म हो गया। एग्जाम है अब किस चीज का एग्जाम? चलिए दिख रहा है अभी स्क्रीन पे क्वेश्चन सबको, स्क्रीन पे क्वेश्चन दिख रहा है? दिख रहा मैम। ज्योति जी आप कुछ रिस्पांस नहीं दे रही हैं। ज्योति जी कुछ तो बोलिए, आप प्रेजेंट हैं कि नहीं है वो तो बता दीजिए। देखिए क्वेश्चन बोल रहा है 47 नंबर, गणित को पढ़ाने के लिए खेल और पहेली प्रभावकारी रणनीति है। ठीक है, गणित की का जो शिक्षा बच्चों को दी जाती है उसको पढ़ाने के लिए खेल और पहेलियां, पहेलियों के थ्रू बच्चों को पढ़ाना एक बहुत ही प्रभावकारी रणनीति है क्योंकि यह निम्नलिखित को बढ़ावा देने में सहायक होती है। आप लोग खुद बताइएगा यह इसमें से चार ऑप्शन में से कौन सा ऑप्शन होगा। पहला बोल रहा है कार्यविधि समझ, दूसरा बोल रहा है संकल्पनात्मक समझ, तीसरा बोल रहा है उपयोग आधारित समझ और चौथा बोल रहा है तथ्यात्मक समझ। चौथा क्या बोल रहा है हम लोग का? तथ्यात्मक समझ। बताइए नहीं मिल रहा है आप लोग को क्वेश्चन ना? नहीं मिलेगा क्योंकि आप लोग को भेजे ही नहीं थे उस दिन, आप लोग दोनों में से कोई नहीं आई थी। चलिए गया आया, खोलिए क्वेश्चन नंबर 47। इसीलिए कब्बे से परेशान है मिली।
हम बोल भी नहीं रहे कि हम क्वेश्चन सेंड ही नहीं किया। बताइए पूजा जी, एक गणित की पढ़ाई के लिए बच्चों को पहेलियां बताई जा रही है, ठीक है, बच्चों को खेल के द्वारा बताया जा रहा है, तो यह जो है इस विधि से बच्चों को जो गणित पढ़ाया जा रहा है, यह बच्चों को किसमें ज्यादा बढ़ावा देगा? कार्य विधि समझ में बढ़ावा देगा, संकल्पनात्मक समझ में बढ़ावा देगा, उपयोग आधारित समझ में बढ़ावा देगा, या फिर तथ्यात्मक समझ में बढ़ावा देगा? हर का मीनिंग हम आपको समझा रहे हैं। कार्य विधि समझ यानी कि बच्चे जो कार्य कर रहे हैं, गणित का जो कार्य कर रहे हैं, उस कार्य को समझने में बच्चों को वह क्या देगा, बढ़ावा देगा। दूसरा बोल रहा है, तीसरा ऑप्शन देखिए, बोल रहा है उपयोग आधारित समझ, ठीक है, वहां पे बच्चों को जिस विधि का उपयोग करने के लिए बताया जा रहा है, जिस विधि के प्रयोग के द्वारा बच्चों को गणित समझाया जा रहा है, बच्चे जो है उसका सही तरीके से उपयोग कर सके, ठीक है, उस उपयोग उस समझ का प्रयोग वह जो है उपयोग जो है वह दूसरी परिस्थितियों में भी कर सके। हम लोग संज्ञान में क्या करते हैं, अपने पूर्व अनुभवों का अपने नए ज्ञान के साथ जोड़कर उसका उपयोग कर लेते हैं, तो उसका उपयोग जो है अपनी नई परिस्थिति के साथ कर सके, इसके लिए बढ़ावा दिया जा रहा है। बोल रहा है तथ्यात्मक समझ यानी कि तथ्यों की जानकारी, जो कुछ भी तथ्य या फिर जो कुछ भी फिगर्स या जो कुछ भी न्यूमेरिकल्स वहां पे बच्चों को दिए गए हैं, उस तथ्यों को पूरी तरह से समझने की जानकारी हो सके, ठीक है, या फिर संकल्पनात्मक समझ के लिए, संकल्पना के आधार पर, ठीक है, संकल्पना का मतलब क्या हो गया, वही क्रिएटिविटी, बच्चे जो है अपने माइंड से कुछ भी सोच सके, समझ सके, ठीक है, उस चीज का वो सॉल्यूशन निकाल सके, संकल्पना का मतलब बच्चे जो है क्रिएटिव हो सके, बच्चे को खेल के द्वारा या पहेलियों के माध्यम से, हम लोग आप लोगों को कोई भी पहेली अगर बताते हैं, जैसे कि वो डायरेक्शन वाला ही बताए थे, तो हम लोग का माइंड थोड़ा मूव किया था, दिमाग थोड़ा मूव किया था कि यहाँ यहाँ से उत्तर जाएगा, फिर दक्षिण जाएगा, फिर पूरब जाएगा, फिर पश्चिम जाएगा, तो ये कैसे आया, ये डायरेक्शन कैसे बना, थोड़ा बहुत तो हमारा दिमाग काम कर रहा था ना, दिमाग हमारा थोड़ा क्या हो गया था, एक्टिव हो गया था उस समय, हमारा दिमाग उस समय थोड़ा एक्टिव हो गया था कि अरे ये कैसे होगा, ये यहाँ से यहाँ गया, यहाँ से यहाँ गया, इधर से उधर गया, तो ये किस डायरेक्शन में जाएगा, हमारे घर से स्कूल की दूरी किस दिशा में होगी या कितने सेंटीमीटर में होगी, तो ये हम लोग उस समय माइंड से पूरी तरह से एक्टिव हो गए थे, ठीक है, संरचना करने, संकल्पना का मतलब यही हो गया, संरचना करने लगे थे, माइंड में ही हम लोग इमेजिन करने लगे थे, इमेज बनाने लगे थे कि कहाँ से होगा आंसर। तो यहाँ पे भी जब बच्चों को पहेलियों के माध्यम से या फिर खेल के माध्यम से कोई चीज पढ़ाया जाता है, तो वहां पे बच्चों की संकल्पनात्मक समझ को बढ़ावा दिया जाने के लिए सब किया जा रहा है, संकल्पना को बढ़ावा देने के लिए, उसकी संरचनात्मक समझ को बढ़ावा देने के लिए किया जाता है, ठीक है, समझ में आया? यस मैम। नहीं आया? आया मैम। निम्न में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है, जैसे कि डीम्स द्वारा दिया गया है, ठीक है, आप लोग को एक सीक्वेंस हम बताए थे, पहले बोध होगा यानी कि किसी चीज की बच्चों को क्या क्या होगी, केवल उसकी जानकारी होगी, बोधात्मक ज्ञान, इसके बाद बोधात्मक ज्ञान के बाद क्या था हम लोग का, हाँ पहले उसका बोध होगा, फिर उसका क्या होगा, उसकी वह कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, फिर उसका वह क्या करेगा, विश्लेषण, फिर उसका संश्लेषण, फिर उसका निष्कर्ष, आप लोग को ये सीक्वेंस हम बताए थे ज्योति, याद है? तो चलिए 48 नंबर क्वेश्चन है, बोला निम्न में से कौन सा गणित अधिगम के सही अनुक्रम को प्रदर्शित करता है, जो कि डीन्स द्वारा दिया गया है, डीन्स एक हम लोग के गणित के मनोवैज्ञानिक है, उनके द्वारा दिया गया यह हम लोग का था, ठीक है, तो चलिए बताइए क्या होगा इसका आंसर। बोल रहा है, पहला बोल रहा है गणितीय अमूर्तीकरण, प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, प्राइमरी लेवल के बच्चे अमूर्त चीजों का प्रत्यय कॉन्सेप्ट क्लियर कर सकते हैं, नहीं, पहले उनको क्या चीजें दी जाएगी, मूर्त रूप से चीजें दी जाएंगी, इसके बाद वो अमूर्त की तरफ पहुंचेंगे, यहाँ पे पहले ही सीक्वेंस में क्या बैठा दिया गया है, अमूर्तीयकरण, ये हम लोग का ऑप्शन कट गया। दूसरा बोल रहा है प्रत्यक्ष ज्ञानात्मक यानी कि बोधात्मक, जिसको हम बोध बोले थे यानी कि समझ, मान लीजिए हमको ये बच्ची चीजें दिखाई जा रही है प्रत्यक्ष रूप से, तो हम हमको समझ में, अच्छा ये मोबाइल है, बस हमको केवल क्या हुआ, इसका इतना ज्ञान हुआ कि ये मोबाइल है, तो पहले बोधात्मक यानी कि हमको पहले उसका क्या होगा, बोध होगा, ज्ञान होगा, परिवर्तित सिद्धांत, फिर हम क्या करेंगे उसके सिद्धांतों को जानेंगे,
पहले हमको उसका ज्ञान हुआ, इसके बाद हम उसके सिद्धांतों को जाने। अब हम पहले जाने कि ये मोबाइल है, फिर हम जाने कि अच्छा ये मोबाइल है, इससे बात होती है, मेरी मम्मी कलकत्ता में रहती है, हम उनसे इससे बात कर सकते हैं। तो परिवर्तित सिद्धांत आया, इसके बाद गणितीय परिवर्तित सिद्धांत आता है, इसके बाद और उसके हम लोग के कॉन्सेप्ट क्लियर होते हैं और बेहतरीन तरीके से, और भी बहुत सारे हम लोग के और क्या क्या इसके गुण हैं, क्या क्या इसके अवगुण हैं, उसके बारे में हम लोग को इसके सिद्धांतों का पता चलता है। इसके बाद उसके रचनात्मक सिद्धांत तक हम लोग पहुंचते हैं। तो बच्चे जो है प्राइमरी लेवल के बच्चे, जो कि 1 से 5 के बच्चे हैं, वो पहले किसी चीज का प्रत्यक्ष रूप से बोध करते हैं, जानकारी हासिल करते हैं। इसके बाद उसके विषय में उनको थोड़ी बहुत ज्ञान होती है। इसके बाद पूर्ण रूप से उसके गुण अवगुणों को, उसके प्रॉपर्टीज को वो जानते हैं। इसके बाद रचनात्मक रूप से उसको जानने की कोशिश करते हैं, उसमें कुछ परिवर्तन या कुछ क्रिएटिविटी हो सकती है कि नहीं, ये सब चीजें रचनात्मक कब आएगा, सबसे लास्ट में, ठीक है। तो ये होता है। तीसरा बोल रहा है गणितीय परिवर्तनीय सिद्धांत, सबसे पहले गणितीय परिवर्तनीय सिद्धांत तो आएगा नहीं, क्योंकि सबसे पहले बच्चे को उस चीज का बोध होना चाहिए कि ये वस्तु वास्तव में है क्या, ये ऑप्शन ऐसे ही कट गया। फोर्थ में बोल रहा है कि रचनात्मक सिद्धांत, रचनात्मक सिद्धांत पहले आ ही नहीं सकता है। हम बच्चा कोई चीज देखा ही नहीं है, उसको प्रत्यक्ष रूप से, ठोस रूप से देखना तो प्राइमरी लेवल में मस्ट है। अब पहले ही वो रचना करने लगा, किसी चीज को देखा ही नहीं है, बिना मतलब का रचना कैसे करने लगेगा, तो ये भी होगा नहीं। तो ऑप्शन नंबर हम लोग का क्या होगा, 2। ऑप्शन नंबर 1, 3 और 4 कैसे कट गया, ऐसे ही कट गया। गणितीय अमूर्तीकरण, अमूर्त रूप से बिना किसी चीज को देखे बच्चा कल्पना कर ही नहीं सकता है। गणितीय परिवर्तनीय सिद्धांत पहले होगा नहीं, और रचनात्मक सिद्धांत भी पहले होगा नहीं, तो सारा ऑप्शन ऐसे ही कट गया, ठीक है। अगला क्वेश्चन देखिए, बोल रहा है स्माइल एक प्राथमिक अध्यापक, ठीक है, अपने छात्र के पूर्व ज्ञान को समझने के लिए सर्वथम सदैव कुछ क्रियाकलाप करते हैं। मतलब एक टीचर है, देखिए कैसे एक्टिविटी करवा रहे हैं, वो अपने बच्चे के, अपने स्कूल के स्टूडेंट्स के पहले का जो उनका अनुभव है, उनके अनुभवों को जानने के लिए पहले टीचर क्या करते हैं, खुद ही एक्टिविटी करते हैं, कोई ना कोई क्रियाकलाप वो करते हैं, और छात्रों के प्रदर्शन पर वह निश्चित करते हैं कि अगली अवधारणा को की ओर बढ़ना है, ठीक है। तो वो कोई एक्टिविटी कर रहे हैं, अब उनके एक्टिविटी के आधार पर बच्चे उनको बता रहे हैं कि अच्छा सर आप ये कर रहे हैं, हमको पता है, हम लोग पिछले क्लास में ये पढ़े थे, हम लोग को इसका ज्ञान है, बच्चे रिस्पांस दे रहे हैं। तो मास्टर को पता चल गया, मास्टर को पता चल गया कि बच्चों को इसका ज्ञान पहले से है, बच्चों को इसका अनुभव पहले से है, या पिछली अवधारणा को दोहराना है, ठीक है, तो टीचर एक्टिविटी कर रहा है। तो और उसे समाहित करने के बाद ही अगली अवधारणा की ओर अग्रसर होते हैं। तो जब टीचर को यह कंफर्म हो गया कि हम जो कॉन्सेप्ट बताने जा रहे हैं, आज हम जिस टॉपिक पे बच्चों को, मान लीजिए हम फ्रैक्शन बताने जा रहे हैं, तो बच्चों को हम फ्रैक्शन के विषय में जब ब्लैक बोर्ड पे लिख के दिखाए, तो बच्चे फट से बोले कि सर हम लोग पिछले क्लास में यह पढ़े थे, ठीक है। अगर एक पिज्जा का हम एक हिस्सा निकाल दे तो वो हम लोग का क्या हो जाएगा, वो 1/4 भाग हो जाएगा, ये हम लोग का फ्रैक्शन में बदल गया। तो बच्चे को पहले से फ्रैक्शन का ज्ञान है, फ्रैक्शन कैसे क्या होता है क्या नहीं होता उसका पूर्ण नॉलेज है, यानी कि अब हम न्यू टॉपिक जो बच्चे को समझा रहे हैं फ्रैक्शन वाला, अब हम उसको अच्छे से बच्चों को समझा सकते हैं। तो एक शिक्षक के नाते, ठीक है, स्माइल जो है क्या कर रहा है, एक रैखिक मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं, जिसमें योजना, एक विषय को पढ़ाना, पढ़ाए गए वृत्तांत का मूल्यांकन सम्मिलित है, ठीक है। दूसरा क्या बोल रहा है, अत्यधिक समय नष्ट कर रहे हैं। आप लोग देखिए, जो आप लोग को सबसे सुटेबल लगे आप लोग खुद से आंसर दीजिएगा। अत्यधिक समय नष्ट कर रहे हैं, उन्हें पाठ्य विवरण को पूर्ण करने पर केंद्र रहना चाहिए, मतलब बेकार का एक्टिविटी करके बच्चों को दिखा रहे हैं, समय बर्बाद कर रहे हैं, ठीक है, दूसरा बोल रहा है। तीसरा बोल रहा है, को एक विषय को पूर्ण करने के पश्चात ही मूल्यांकन करना चाहिए, मतलब पहले वो बच्चों का जो आकलन मूल्यांकन कर रहे हैं, उनका पूर्व अनुभव का जानकारी ले रहे हैं, वो गलत कर रहे हैं। पहले उनको बच्चों को वो टॉपिक बता देना चाहिए, और इसके बाद बच्चों से पूछना चाहिए कि तुम लोगों को इसके बारे में पहले से जानकारी थी या नहीं, ये भी गलत है, हम उसका पूर्व अनुभव का पहले से जानकारी ले लेंगे। अगला बोल रहा है कि एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का पालन कर रहे हैं, जिसमें मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चे के लिए अधिगम वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। क्या बोल रहा है कि एक चक्रीय मूल्यांकन के नमूने का वो पालन कर रहे हैं, ठीक है, यानी कि बच्चे, चक्रीय का मतलब सर्कल,
बच्चे पहले क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, उनका अनुभव है कि नहीं है, ज्ञान है कि नहीं है, वो इसका पालन कर रहे हैं, वो इसकी जानकारी ले रहे हैं, और मूल्यांकन के द्वारा जानकारी एकत्रित कर बच्चे के लिए अधिगम वातावरण को सुधारना सम्मिलित है। मूल्यांकन किए, उसमें से कुछ बच्चे को बोले, कुछ बच्चे बोले कि हाँ सर हमको फ्रैक्शन आता है, कुछ बच्चे बोले कि सर हम तो भूल गए हैं, कुछ बच्चे बोले सर हम तो सीखे ही नहीं है। तो ये मूल्यांकन करके उनको पता चला ना कि किसको पता है किसको नहीं पता है, किसको किस लेवल में बताना है, हमको वो फ्रैक्शंस का इंट्रोडक्शन पहले करना है या नहीं। तो बताइए इसमें कौन सा ऑप्शन सबसे सही ऑप्शन है हम लोग का, 49 का कौन सा? चार नंबर। क्या होगा पूजा जी? फोर्थ नंबर में। फोर्थ नंबर, ठीक है। वो क्या कर रहा है, एक नमूने का पालन कर रहा है और सभी बच्चों की के अनुभवों की जानकारी ले रहे हैं। 49th है ना हम लोग का। अगला क्वेश्चन, इसी तरह से मैथ्स का भी क्वेश्चन, मैथ्स पैडागोजी भी आप लोगों को सॉल्व करना है। बोल रहा है अनी, हाँ जी, ये मैथ्स का ही हम करवा रहे हैं आप लोगों को, हम CTP करवाए, EBS करवाए, हिंदी करवाए, इसके बाद हम मैथ्स पे आ रहे हैं। अनीस ने अपनी अपने छात्रों को विभिन्न ज्यामिति आकृतियों को वर्गीकृत करने के लिए एक समूह परियोजना दी है। समूह परियोजना का मतलब एक ग्रुप एक्टिविटी करवाया है, सभी बच्चों को कुछ कुछ ग्रुप में वर्ड दिया गया है और उनको एक टॉपिक दे दिया गया कि तुमको ये वाला टॉपिक पे तुम लोगों के ग्रुप को करना है, ठीक है। अब क्या बोल रहा है कि इस परियोजना में विद्यार्थियों के प्रदर्शन का आकलन करने के लिए निम्न में से कौन सी आकलन तकनीक सबसे उपयुक्त होगी? बताइए, बच्चों को ग्रुप में बांट दिए हैं, उनको एक एक टॉपिक दे दिए हैं और बोल रहे हैं कि तुम लोग को ये प्रोजेक्ट वर्क है, तुम लोग को इस प्रोजेक्ट वर्क पे काम करना है। अब वो सारे ग्रुप्स का क्या कर रहे हैं, आकलन कर रहे हैं। आकलन करने के दौरान उनको सबसे उपयोगी आकलन कौन सा लग रहा है, सबसे उपयोगी तकनीक कौन सा है आकलन का, जिसके द्वारा वो क्या कर सकते हैं, बच्चों का आकलन कर रहे हैं। रूब्रिक है एक पहला, दूसरा है हम लोग का पेपर पेंसिल टेस्ट, तीसरा है हम लोग का चेकलिस्ट और चौथा है हम लोग का संकल्पना मानचित्र, ठीक है। हम सबका मीनिंग बता रहे हैं। देखिए, पेपर पेंसिल टेस्ट का मतलब तो ये समझ में आ रहा है कि पेपर और पेंसिल के माध्यम से बच्चों का टेस्ट लिए और उसके आधार पर हम बच्चों का क्या किए, आकलन किए, जो सबसे अच्छा परफॉर्मेंस दिया, जिसका सबसे अच्छा मार्क्स आया, उसके आधार पर हम उसको चुन लिए। दूसरा बोल रहा है चेकलिस्ट, एक चेकलिस्ट बनाया, सभी बच्चों का नाम उसमें नोट किए, ठीक है, किस बच्चे का परफॉर्मेंस कैसा है, किसको, किसी को ए ग्रेड, किसी को बी ग्रेड, किसी को सी ग्रेड दिए, उसके आधार पर हम उसका क्या किए, आकलन किए। और चौथा बोल रहा है कि हम लोग का संकल्पना मानचित्र, ठीक है, हम लोग अपने माइंड में एक सभी बच्चों का हम समूह का क्या किए, एक्टिविटी को देखे, जिसका एक्टिविटी सबसे अच्छा लगा हम अपने माइंड में उन बच्चों का ग्रुप का एक अपना मानचित्र बना लिए कि हाँ ये बच्चे का परफॉर्मेंस बहुत अच्छा है, यह बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं, इसके माध्यम से, या फिर रूब्रिक के माध्यम से। रूब्रिक हम लोग का होता क्या है एक्चुअल में, देखिए यहाँ पे रूब्रिक एक ऐसा हम लोग का तकनीक होता है, परियोजना होती है, जिसके माध्यम से वह बच्चों के केवल उस परफॉर्मेंस का जो टॉपिक उनको दिया गया है उस परफॉर्मेंस का ही आकलन नहीं करते हैं, उसके अलावा बच्चे समूह में किस प्रकार कार्य कर रहे हैं, एक दूसरे का सहयोग देकर कर रहे हैं या नहीं, ठीक है, एक दूसरे के साथ सपोर्टिंग है या नहीं, एक दूसरे की मदद कर रहे हैं या नहीं, किस प्रकार वो लोग मिलजुल कर बारीकियों से कार्य कर रहे हैं या नहीं, हर एक चीज का, जिस तरीके से हम लोग का पोर्टफोलियो होता है ना, उसी प्रकार यहाँ पे रूब्रिक होता है, मतलब हर एक चीज का बारीकी से वो लोग क्या कर रहे हैं वहां पे, उस प्रोजेक्ट वर्क पर कार्य कर रहे हैं, उसके हर एक परफॉर्मेंस को देखा जा रहा है, उसको वो जो टॉपिक दिया गया है केवल उसी को नहीं देखा जा रहा है, वहां पे वो जो टॉपिक दिया गया उस टॉपिक पर भी वो अच्छे से परफॉर्म कर रहे हैं, साथ में समूह में है तो सामूहिक सहयोग की भावना को भी वहां पे देखा जा रहा है, उन बच्चों में आपस में मेल मिलाव है या नहीं ये भी देखा जा रहा है, ठीक है, वो आपस में एक दूसरे का सहयोग कर रहे हैं या नहीं ये भी देखा जा रहा है, ठीक है, एक दूसरे के लिए सपोर्टिंग नेचर वाले हैं, हर एक पक्ष को वहां पे क्या किया जा रहा है, जांचा पड़ता जा रहा है, इसके माध्यम से उसके हर एक पक्ष का आकलन किया जा रहा है। तो यहाँ पे हम लोग क्या करेंगे, समूह में किसी को कार्य देने का मतलब है कि उसके हर एक पक्ष का आकलन करना, ठीक है, उसके हर एक पक्ष का आकलन करके हमें पता करना है कि बच्चे जो है हर एक तरीके से परफॉर्मेंस अच्छा दे रहे हैं या नहीं। मान लीजिए किसी को किसी ग्रुप में डाल दिए, अब क्या बोल रहा है कि ये मेरे ग्रुप में रहेगा ना तो हम इसको अपने हम काम नहीं करेंगे या फिर हम उस प्रोजेक्ट वर्क पे वर्क नहीं करेंगे, या फिर इसको बोलो कि शांति से चुपचाप अलग में बैठा रहे, हम लोग को जो वर्क करना है हम कर लेंगे,
तो ये क्या है, ये परफॉर्मेंस सही नहीं है, ठीक है। सहयोगात्मक भावना होनी चाहिए। रूब्रिक, अगला बोला, निम्न में से कौन सा कथन गणितीय पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है। शाब्दिक समस्याएं, नॉट न्यूमेरिकल, शाब्दिक, जैसे कि अभी हम लोग ये जो क्वेश्चन पढ़ रहे हैं ये सब क्या है, शाब्दिक समस्या है। हम लोग ब्लैक बोर्ड का इस्तेमाल यहाँ पे चौक और पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, सम्स नहीं बना रहे हैं। तो कौन सा कथन गणितीय पाठ्यचर्या में शाब्दिक समस्याओं के उद्देश्य का उपयुक्त वर्णन करता है, ठीक है। पहला बोल रहा है, इन्हें विद्यार्थियों की भाषा क्षमता को परखने के लिए प्रयोग किया जाना चाहिए, शाब्दिक क्षमता का, ठीक है। दूसरा बोल रहा है, ये गणितीय समस्याओं को हल करने हेतु किसी भी औपचारिक कलन विधि का परिचय कराने में सहायक होता है। तीसरा बोल रहा है, ये गणित को स्कूल के बाहर के संसार से अधिक जोड़ता है, ठीक है। हम लोग वर्बली अगर कुछ समस्या का समाधान कर रहे हैं गणित में, तो क्या कर रहे हैं, क्या बोल रहा है कि ये गणित को स्कूल के बाहर के संसार से अधिक जोड़ता है। और चौथा बोल रहा है कि ये सभी विद्यार्थियों द्वारा आसानी से हल की जा सकती है। बताइए, आप लोग बताइए इसका आंसर क्या होगा। आपके पास क्वेश्चन नहीं है, ऊपर देख रहे हैं, आपका मन ही नहीं लग रहा है, ध्यान ही नहीं है, क्या होगा। पूजा जी क्वेश्चन दिख रहा है ना? यस मैम, दिख रहा है। सेकंड नंबर होगा, सेकंड नंबर होगा। आप ट्रिक पे बना रही हैं अभी, अभी हम एक ऑप्शन समझा रहे थे, उस समझाते समय हम एक चीज बताए कि ये गणित को स्कूल से बाहर के संसार से अधिक जोड़ती है। जब हम बच्चे को वर्बली कोई चीज समस्या, गणितीय समस्या समझाने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है, मुंह जवानी अगर बच्चे को हम कोई चीज समझाने की कोशिश कर रहे हैं, तो हम क्या कर रहे हैं, हम ब्लैक बोर्ड का या पेन पेंसिल का इस्तेमाल नहीं कर रहे हैं, हम बच्चे को नंबर्स लिख के नहीं दिखा रहे हैं, तो हम क्या करेंगे, बच्चे को अपने वातावरण से जोड़ेंगे। आप छोटे बच्चे को पढ़ाइएगा जोड़ घटाओ, तो क्या बोलेगा कि देखो हम तुमको 5 चॉकलेट दिए, ठीक है, उसमें से तुम 2 चॉकलेट हमको दे दो, 2 चॉकलेट हमको दे दो, बताओ तो तुम्हारे पास कितने चॉकलेट रहे। बच्चा देखिए फट से बता देगा, ये क्या है, संसार से जोड़ना, ठीक है। गणित को हम वर्बली क्या कर रहे हैं, संसार से जोड़ रहे हैं, स्कूल के बाहर की दुनिया से जोड़कर बच्चों को बताने की कोशिश कर रहे हैं। तो ये हम लोग का सबसे उत्तम ऑप्शन होगा, यहाँ पे सबसे परफेक्ट ऑप्शन यहाँ पे होगा, गणित जो हम लोग बच्चे को पाठ्यक्रम जो शाब्दिक तौर पर समस्याओं का समाधान करते हैं। प्राइमरी लेवल में आप देखिएगा बच्चों को ऐसे ही मैथ दिया जाता है, देखिएगा उनका मैथ्स का बुक में आम का पिक्चर रहेगा, 2 आम का पिक्चर रहेगा और जोड़ 1 आम का पिक्चर रहेगा, बोलेगा कि कितना आम हुआ, तो बच्चा वहां पे आम बनाएगा और कलर करेगा। ये क्या है, इन्वायरमेंटल से ना जोड़ के बच्चों को मैथ्स बताया जा रहा है। या फिर 1 पेंसिल रहेगा और यहाँ पे 5 पेंसिल रहेगा, बोलेगा दोनों पेंसिल मिला के तुम्हारे पास कितने पेंसिल हुए, इन्वायरमेंटल से ही ना जोड़ के बताया जा रहा है। तो ये हम लोग का यहाँ पे ऑप्शन नंबर 3 होगा, ठीक है। ऑप्शन नंबर 3 क्यों होगा, समझ में आया ना। अगला बोल रहा है अल्पवयस्क यानी कि छोटे बच्चों के लिए निम्न में से कौन सी प्रक्रिया पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है, ठीक है। संख्या का ज्ञान होने से पूर्व बच्चे को अभी 1, 2, 3, 4, 5, 6 का ज्ञान नहीं है, पूर्व संख्या संकल्पना का भाग है, कौन सा प्रक्रिया बोल रहा है कि बच्चे को निम्न में से कौन सी प्रक्रिया, बताइए। ऑप्शन दिया हुआ है वर्गीकरण, प्रतिमान बनाना और एकिक संगति। पहले ही वर्गीकरण करना बच्चों को कैसे सिखाएंगे, पहले तो हम बच्चों को क्या करेंगे, किसी चीज का ज्ञान बताएंगे, ठीक है। दूसरा बोल रहा है गणना या फिर उल्टी गणना और वर्गीकरण, हम लोग उल्टा गिनती सिखाते हैं ना बच्चों को, 10, 9, 8, ठीक है। पहले तो उसको 1, 2, 3 सिखाएं, फिर उल्टी गणना सिखाएं और इसके बाद हम उसको वर्गीकृत करना सिखाएं, एक ये पैटर्न हो गया। इसके बाद थर्ड में बोल रहा है संप्लाव यानी कि स्किप का मतलब 1 लिखे, 1 के बाद एक फिगर स्किप कर दिए, फिर 3 लिखे, फिर 4 छोड़ दिए, फिर 5 लिखे, ये स्किप करना, स्किप करना सिखाए, प्रतिमान बनाना सिखाए या फिर संख्याओं का संरक्षण सिखाए, ठीक है। और चौथा बोल रहा है कि वर्गीकरण करना सिखाए, फिर गणना सिखाए, फिर संख्याओं का क्रम सिखाए।
सबसे पहले तो वर्गीकरण सिखाएंगे नहीं, स्किप करना सिखा देंगे पहले ही। दो नंबर, पहले हम बच्चों को 1 2 3 सिखाएंगे। अगर बच्चे को संख्याओं का ज्ञान नहीं है, फिगर्स का नॉलेज नहीं है, फिगर्स के नॉलेज के पूर्व पहले अच्छा। सबसे मतलब बच्चों को अभी किसी भी 1 2 3 का किसी का भी नॉलेज नहीं है, हम उसको पहली बार इस चीज से क्या कर रहे हैं, अवगत करवा रहे हैं, सिखा रहे हैं। तो पहले तो हम बच्चों को 1 2 3 सिखाएंगे। बच्चे जब 1 2 3 सीख जाएंगे, इसमें पूरी तरह से पारंगत हो जाएंगे, तब ना हम बच्चे को फिर उल्टा रिवर्स सिखाएंगे। बेटा अब इसको उल्टा पढ़ो, 10 9 8 7 6, इसके बाद उल्टी गिनती सिखाएंगे, गणना करना सिखाएंगे। इसके बाद हम क्या करेंगे, बच्चों का वर्गीकरण करना सिखाएंगे। ये स्किप स्किप करना तो बहुत बाद में आएगा, जब बच्चे को अच्छे से फिगर्स का नॉलेज हो जाएगा तब ना बच्चे स्किप करना सीखेंगे। कि इसको स्किप करके ऐसे, वो भी पिक्चर्स के माध्यम से सिखाया जाता है कि 1 के बाद एक फिगर स्किप कर दो, आ जाओ 3 पे, 3 के बाद एक फिगर स्किप कर दो, आ जाओ 5 पे, ठीक है। स्किप करना बाद में सिखाया जाता है। इसका ऑप्शन क्या होगा हम लोग का, 2। क्या है ये हम लोग का, 52। अगला वाला, निम्न में से कौन सी प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं होनी चाहिए, बताइए। अवधारणा का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए, ठीक है। अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रमित रीति से होना चाहिए, अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल होना चाहिए, या फिर अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण जहां तक संभव हो प्रासंगिक विधि से किया जाना चाहिए, बताइए क्या होगा। प्रासंगिक का मतलब प्रसंग के अनुसार, परिस्थिति के अनुसार, इसमें ऑपोजिट है क्वेश्चन, नहीं होनी चाहिए बोल रहा है। कि निम्न में से कौन सा प्राथमिक स्तर पर गणित की पाठ्य पुस्तक की विशेषता नहीं होनी चाहिए, गणित की पाठ्य पुस्तक प्राइमरी लेवल के बच्चों के लिए ऐसी नहीं होनी चाहिए। तो बच्चों को हम लोग जो कुछ भी पढ़ाते हैं प्रासंगिक तौर पर ही पढ़ाते हैं, यानी कि प्रसंगों के अनुसार ही पढ़ाते हैं। अगर बच्चे को हम रामायण महाभारत का केस कहानी सुना रहे हैं तो हम बच्चे को उस प्रसंग में ले जाके, वैसी परिस्थिति में ले जाके बताएंगे ना, बोलेंगे कि बेटा हनुमान जी ऐसे थे, गाल निकला हुआ था, गदा लेके रहते थे, मतलब हम उसको वैसी परिस्थितियां उनके सामने क्रिएट करने की कोशिश करेंगे, तो बच्चे उस चीजों को ज्यादा अच्छे से समझेंगे और सीखेंगे, ठीक है। मान लीजिए हम बच्चे को किसी अदर चीज के विषय में कोई एक कहानी बता रहे हैं, गरीब दुखिया गरीब व्यक्ति की कहानी बता रहे हैं, तो हम उसको उस प्रसंग के अनुसार बताएंगे कि देखो उसके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, पहनने के लिए कुछ नहीं है, तुम्हारे पास खाने के लिए नहीं रहेगा, हम लोग उसको उसी परिस्थिति में ले जाकर ढाल कर दिखाना चाहेंगे, वो होता है प्रासंगिक। प्रासंगिक का मतलब हम लोग तुमको, हम लोग जिस बच्चे को वो बता रहे हैं समझा रहे हैं उसको उसी परिस्थिति के अनुसार करेंगे। दूसरा बोल रहा है, 2 नंबर, अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण पदानुक्रम रीति से होना चाहिए। जो भी अवधारणाएं हम बच्चे को बता रहे हैं वो सीक्वेंस में होना चाहिए, एक क्रम के अनुसार होना चाहिए, हर एक चीज क्रमानुसार ही होना चाहिए। अगला बोल रहा है, अवधारणाओं का उच्च कक्षाओं से संबंध होना चाहिए, मतलब हम आज जो पढ़ा रहे हैं ऐसा नहीं है उस पढ़ाई का संबंध जो है उसके आगे आने वाली कक्षा से ना हो। हम बच्चे को जो कुछ भी सिखाते हैं पढ़ाते हैं उसका संबंध उसके आगे आने वाली कक्षा से होती है, फिर उसका संबंध उसके आगे आने, सब एक दूसरे से क्या होते हैं, रिलेटेड होते हैं। तभी तो बच्चे धीरे 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 उसका कॉन्सेप्ट क्लियर करके बड़े क्लासेस में जाते हैं और उस समस्याओं का समाधान सीखते हैं। बच्चे को 1 2 3 सीखेंगे तभी तो बच्चे कल जोड़ घटा बनाएंगे, तभी तो कल बच्चे जो है न्यूमेरिकल्स बनाएंगे, इसके बाद जो है ट्रायंगल्स रेक्टेंगल्स का सम सॉल्व करेंगे। तो सब एक दूसरे से क्या होते हैं, संबंधित होते हैं ना, उच्च कक्षाओं से संबंध रखते हैं। यहाँ पे कौन सा बोल रहा है कि अवधारणाओं का प्रस्तुतिकरण जटिल से सरल नहीं होना चाहिए, सरल से जटिल की तरफ होना चाहिए। बच्चे को पहले सरल चीजें सिखाएंगे तब ना जटिलता की तरफ ले जाएंगे, पहले ही जटिल चीज बता देंगे उसका दिमाग ब्लास्ट कर देंगे या फिर बोलेंगे कि अब सरल चीज सीखो तो वो क्या समझेगा बच्चा, ठीक है। कितना नंबर, 54। हस्त कौशल सामग्री, ठीक है, मैनिपुलेटिव का उपयोग प्राथमिक स्तर पर गणित के शिक्षण अधिगम का अभिन्न अंग है, क्योंकि हस्त कौशल सामग्री जिसके माध्यम से बच्चों को
मतलब ऐसी सामग्रियां जिसके माध्यम से बच्चों को गणित की अवधारणाओं को समझने में क्या होता है, जैसे कि आप लोग इसका नाम अबाकश का नाम सुनी हो, अबाकश बाकस नहीं होता, अबाकश होता है। हाँ ये बच्चों का मैथ्स का है, उसे उसे जोड़ होता है, घटाव होता है, गुणा होता है, भाग होता है, एक सर्कल में होता है, उसमें बॉल 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 गोल गोल बॉल से होते बने होते हैं, उसी को उसी के माध्यम से बच्चे जो है सीखते हैं। ठीक है, तो क्या होगा इसमें बताइए। तो हस्त कौशल सामग्री और भी बहुत सारी हम लोग की हस्त कौशल सामग्री है, जैसे बच्चों को ट्रायंगल होता है, ट्रायंगल शेप दे दिया जाता है बच्चों को, या फिर हम लोग का बच्चों का सर्कल हो जाएगा, और भी बहुत सारी सामग्रियां हो जाती है, स्क्वायर होता है, शेप्स बहुत सारे होते हैं। तो उन सब का गणित के शिक्षण अधिगम, ये सब गणित का शिक्षण अधिगम का एक अभिन्न अंग है, क्योंकि क्यों यह प्राथमिक पाठ्यचर्या में अन्य विषयों के साथ संबंध बनाने में सहायक सहायता करते हैं। ठीक है, या फिर बोल रहा है कि वार्षिक निरीक्षण के दौरान स्कूल को बेहतर प्राप्तांक प्रदर्शित करने में सहायता करते हैं। जब वार्षिक परीक्षा होगी ना, तो बच्चे को अच्छा अंक प्राप्त करने में ये सहायता करते हैं। तीसरा बोल रहा है कि यह शिक्षार्थी को गणितीय अवधारणाओं को समझने में सहायता करता है। और चौथा बोल रहा है कि शिक्षक शिक्षिका को समस्याओं को शामपट पर हल करने की आवश्यकता नहीं पड़ती, इसीलिए यह उनका समय बचाता है। जो कुछ भी है, हम लोग के बहुत सारे होते हैं, आप लोग मैथ्स में हम लोग के बहुत सारे ऐसे टूल्स होते हैं जिसके माध्यम से बच्चों को शेप दिखाया जाता है, जिसके माध्यम से बच्चों को कैलकुलेशंस करवाया जाता है, ऐसे बहुत सारे हम लोग के हस्त कौशल सामग्रियां होती हैं जिसके माध्यम से बच्चों को सम्स सिखाया जाता है। तो ये चीजें क्यों होती हैं, ये जो मॉडल होता है, ये मॉडल क्यों होता है, बच्चों को गणित की अवधारणाओं को समझने में सहायता करने के लिए होता है। क्यों? क्योंकि ये प्राइमरी लेवल के बच्चे हैं, इनको किसी चीज को ठोस रूप से दिखाया जाएगा तो ये ज्यादा अच्छे से समझेंगे। जैसे कि हम लोग ज्योग्राफी में जो हम लोग का मॉडल होता है ग्लोब, वो ग्लोब के माध्यम से बच्चे को कोई चीज बताते हैं या समझाते हैं तो बच्चे को ज्यादा अच्छे से समझ में आती है। उसी तरीके से मैथ्स में भी हम लोग के बहुत से ऐसे हस्त कौशल सामग्रियां होती हैं जिससे बच्चों को मैथ्स का कॉन्सेप्ट क्लियर करने में बहुत मदद मिलती है। तो ये क्या होगा, ऑप्शन नंबर 3। तो यह विद्यार्थियों को गणितीय अवधारणाओं को समझने में क्या करता है, सहायता करता है। कक्षा 2 के छात्र ने जमा यानी कि योग के प्रश्न का उत्तर निम्न तरीके से दिया। देखिए कैसे दिया है, कक्षा 2 का एक बच्चा है, उसने योग यानी कि जोड़ का जो एक प्रश्न है उसका आंसर दिया है। क्या दिया हुआ है, 56 + 38 दिया है ना, तो 6 और 8 को जोड़कर उसने कितना लिखा, 14 का 4, और हासिल जो 1 था उसको उसने जोड़ा ही नहीं, 5 × 3 = 8, यानी कि हासिल वह भूल गया। ठीक है, तो इस चिंतनशील गतिविधि, ठीक है, गणितीय अध्यापक के नाते छात्र के इस उत्तर पर आप क्या प्रतिक्रिया देंगी एज अ टीचर, बच्चे ने जो वहां पे हासिल नहीं जोड़ा, ठीक है, कैरी नहीं उसमें ऐड किया, इसके प्रति आपकी क्या प्रतिक्रिया होगी बताइए, आप करेंगी क्या करेंगी, छात्रों को समझाना कि वह अपने उत्तर को पुनः जांच करे, पहला बोल रहा है ये। दूसरा बोल रहा है छात्रों को बताना कि उसका उत्तर सही नहीं है और वह समकक्ष के उत्तर पर परामर्श ले, यानी कि उसके बगल में जो बच्चा बनाया है उसका उत्तर देखे और उससे परामर्श ले कि उसका उत्तर कैसे इतना आया, तुम्हारा कैसे इतना आया। ठीक है, ये बोल रहा है दूसरा। तीसरा बोल रहा है कि स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ पुनः समूहीकरण के माध्यम से योग की अवधारणा को छात्र के लिए सरल करना। नहीं समझ में आया इसका, स्थानीय मान का इकाई दहाई सैकड़ा हजार, ये हम लोग का स्थानीय मान होता है, बच्चे को स्थानीय मान भी ना यहाँ पे जोड़ में दिक्कत हो रहा है, इकाई वाला अंक तो लिख लिया लेकिन दहाई वाला अंक वो भूल गया, वो लिखा ही नहीं, यानी कि स्थानीय मान में इसको यहाँ पे बच्चे को क्या है, दिक्कत है, समस्या है। स्थानीय मान की प्रणाली पर ध्यान देने के साथ क्या करना है, पुनः समूहीकरण। समूहीकरण का मतलब जो हासिल आया उस हासिल को वो क्या करेगा, जो 5 और 3 का जो योग आया उसके साथ उसको जोड़ेगा ना, उसका समूह बनाएगा,
वहां पे पुनः समूहीकरण के माध्यम से योग की अवधारणा को छात्र के लिए सरल करना, यानी कि जो बच्चे को इसमें प्रॉब्लम हो रही है सबसे पहले तो हम फिर से उसको स्थानीय मान की का ज्ञान देंगे, और इसके बाद कैसे उनका समूहीकरण करते हैं, उस कैरी को अगले वाले फिगर्स के साथ कैसे जोड़ देते हैं उसकी अवधारणा को बच्चे को क्लियर करेंगे, तब बच्चे को इसकी जो समझ है पूरी तरह से क्लियर होगी। और चौथा बोल रहा है कि छात्र को कहना कि वह पाठ्य पुस्तक में हल किए इस तरह के प्रश्नों का अभ्यास करे। तुम बार बार घर में जाके क्या करो, अभ्यास करो। बताइए कौन सा ऑप्शन सही होगा? तीन, तीसरा ऑप्शन सही होगा। हम बोल दिए तो सही होगा। ये हम लोग का राष्ट्रीय पाठ्यचर्या की रूपरेखा 2005 के अनुसार है के अनुसार अनुशंसा करता है कि प्राथमिक कक्षाओं में गणित के शिक्षण अधिगम के लिए समाकलित यानी कि एकीकृत उपागमन को प्रयोग में लाना चाहिए। इसका अर्थ है एकीकृत उपागमन का मतलब क्या होता है पता है? एकीकृत उपागमन का मतलब होता है कि एक चीज जो है दूसरे चीज से जुड़ी होनी चाहिए। हम बच्चे को कक्षा वन में जो चीजें पढ़ा रहे हैं कक्षा टू में जब बच्चे जाएंगे तो कक्षा वन का जो पूर्ण उसका पूर्व जो ज्ञान होता है वो कक्षा टू के ज्ञान से कनेक्ट होना चाहिए, जुड़ा होना चाहिए, तभी बच्चा क्या होगा विकास के पथ पर आगे बढ़ेगा, विकसित होगा। अब ये अलग है और कक्षा टू में जो पढ़ा रहे हैं वो अलग है, इससे इन दोनों का कोई रिलेशन ही नहीं है, तो क्या फायदा एक वाला पढ़ाने का? ठीक है, वो सारी की सारी एक चीजें सारी की सारी चीजें एक दूसरे से क्या होती है जुड़ी होनी चाहिए। तो इसका क्या अर्थ है? गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है। गणित बच्चों के कक्षा के अंदर व बाहर के अनुभवों के साथ एकीकृत होना चाहिए, यानी कि कक्षा के अंदर और कक्षा के बाहर दोनों के साथ यह जुड़ा होना चाहिए। तीसरा बोल रहा है कि गणित को अन्य विषयों जैसे कि पर्यावरण अध्ययन व भाषा के साथ एकीकृत किया जाना चाहिए। प्राइमरी सेक्शन में गणित को भाषा और किसके साथ पर्यावरण के साथ एकीकृत किया गया है ना, जोड़ा गया है ना। चौथा बोल रहा है कि गणित उच्च स्तरीय गणितीय के साथ एकीकृत नहीं होना चाहिए। क्यों नहीं होना चाहिए? क्लास 10 का गणित और क्लास 1 का एक गणित एकीकृत नहीं होगा तो बच्चे को 1 टू 3 पता ही नहीं चलेगा, तो बच्चा क्लास 10 में जाके न्यूमेरिकल्स बनाता है, ट्रिग्नोमेट्रिक बनाता है, ज्योमेट्री बनाता है, वो कैसे बनाएगा जब उसको फिगर्स का ही ज्ञान नहीं होगा? तो जुड़ा होना चाहिए। यहाँ पे जो लिखा है वो गलत है। तो बताइए कौन सा ऑप्शन हम लोग का सही होगा? सी नंबर। यहाँ पे फूड में दिया है तो कोई ऑप्शन सही होगा। बोलिए बी और डी नंबर तो वैसे ही कट गया, जिसमें डी है जिस ऑप्शन में डी है उसको काट दीजिए, हटा दीजिए ऑप्शन से पहले। अब रह गया एक और दो, पहला है बी और सी और दूसरा है ए और बी। तो ए में दिया हुआ है कि गणित को समस्या समाधान के साथ एकीकृत होना आवश्यक है। समस्या समाधान के साथ मात्र एकीकृत होना आवश्यक नहीं है, मात्र हम केवल समस्या के समाधान के लिए ही गणित को एकीकृत नहीं करेंगे, यह बहुत छोटा सा बात हो जाएगा। हमको क्या करना है, पूर्व ज्ञान से लेकर उच्चतर अध्याय तक हमको उसको क्या करना है, एकीकृत करना है। तो यहाँ पे हम लोग का ऑप्शन नंबर बी और सी सही हो रहा है, यानी कि एक बी और सी हम लोग का ऑप्शन क्या है, सही है। अगला बनाइए। इनको देखिए सबसे पढ़ी भी पढ़ भी नहीं रही है, मतलब हम पढ़ेंगे तभी। अब आप पढ़िए, मेरे मुंह में दर्द हो गया। थर्ड नंबर सही होगा मैम? जियोमेट्री पैड बोल रही है। देखिए यहाँ पे बोल रहा है ना
कि हम लोग का जो शम्स, हम लोग जो गणितीय कौशल करते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा गतिशील गणितीय, ठीक है, हम लोग का सस्पेक्टर है, जिसमें हम लोग का कौन कौन सा, देखिए सारे के सारे समाहित हो रहे हैं, इसमें ज्यामिति भी आ रहा है, उसमें गणित भी आ रहा है, इसके बाद हम लोग का स्प्रेडशीट भी आ रहा है, रेखांकन आ रहा है, सांख्यिकी आ रहा है, या फिर हम लोग का कैलकुलेशन आ रहा है, ये सारे के सारे एक ही पैकेज में आ रहे हैं, ठीक है। जब ये सारी चीजें एक ही पैकेज में आती है ना, तो वो हम लोगों का क्या होता है, जियो जेब्रा होता है, ठीक है, वो क्या होगा, हम लोग का जियो जेब्रा होगा। इसमें आप देखिए, हम लोग जब वो करते हैं, ज्यामिति बनाते हैं, तो हम लोग मान लीजिए हम लोग ज्यामिति वाला शम्स बनाते हैं, और किसी ट्रायंगल का मान, किसी एक लेंथ का मान नहीं दिया रहता है, तो हम उसका मान ए मान सकते हैं, उसमें बीजगणित शामिल हो जाता है, उसमें ज्यामिति भी शामिल हो सकता है, उसमें हम लोग फिगर्स को भी ऐड कर लेते हैं, अब उसका मान उससे तिगुना है, तो 3a हो जा रहा है, तो उसमें फिगर भी शामिल हो जा रहा है, उसमें सब चीज, हम लोग का जियोजेब्रा में सब चीज शामिल हो जाता है, ठीक है, उसमें ज्यामिति भी आ जाता है, उसमें बीजगणित भी आ जाता है, उसमें रेखांकी मान भी आ जाता है, रेखांकी यानी कि हम लोग का ट्रायंगल रेखाएं वो भी आ जाता है, उसमें सांख्यिकी भी आ जाता है यानी कि फिगर्स भी आ जाते हैं, ठीक है, उसमें हम लोग का कैलकुलेशंस भी आ जाता है, वो सारी की सारी चीजें हम लोग का किस एक में आ जाती है, जियोजेब्रा में आ जाती है, इसीलिए इसका आंसर क्या होगा, हम लोग का जियोजेब्रा, ठीक है, ये सब का डिफिनेशन है, ये सब का डिफाइन होता है, हम आप लोग को लिखवाएंगे इसका। पढ़िए 58 नंबर क्वेश्चन पढ़िए, पढ़ के हमको आंसर दीजिए। 1 से 9 तक की संख्याओं को पढ़ने के लिए निम्न में से कौन सा ये क्रियाकलाप उपयुक्त होगा, सबसे लास्ट वाला ऑप्शन जो बोल रहा है कि मौखिक रूप से 1 से 9 तक की संख्याओं को क्रम से दोहराना यानी कि बार बार हम कर रहे हैं, यानी कि रट रहे हैं, जब तक कि छात्र उन्हें स्मरण नहीं कर लेते हैं तब तक उसको क्या करना है, रटते रहना है, उनका मुंह देख के लग रहा है कि उनको पढ़ने का मन नहीं कर रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी कट रहा है, जिसमें सी है उस ऑप्शन को हटा दीजिए, 2 नंबर में भी सी है, 3 नंबर में भी सी है, मैम इसमें डी कहाँ दिया है, इसमें डी है, ये नहीं है, इसमें डी नहीं है, अब कहीं भी ऑप्शन में डी दिख रहा है, तब अब क्या बोल रहा है, ए और बी, बी तो भिन्न भिन्न पदार्थ देना और किसी एक एक संगति का उपयोग करना तथा छात्रों को गणना करने के लिए कहना, हम उसको भिन्न भिन्न पदार्थ दे देंगे, जैसे कि बच्चों को खिलौना ही दे दिया गया, जो हम लोग उसके ब्लॉक्स होते हैं ना बच्चों को सजाने के लिए दिया जाता है, वो ब्लॉक्स दे दिए, 1 ब्लॉक दिए, फिर 2 ब्लॉक दिए, फिर 3 ब्लॉक दिए, तो भिन्न भिन्न वस्तुओं के द्वारा उसको कहेंगे कि अब इसको गणना करो, जोड़ो कितना हुआ, या फिर बी बोल रहा है कि दी गई संख्याओं के आधार पर संबंधित पदार्थों को एकत्र करेंगे, जो भी संख्या हम लोग का 1 से 9 तक की जो संख्या दी गई है उससे संबंधित जो भी पदार्थ है उसको क्या बोलेंगे, एकत्र करने के लिए, उसको इकट्ठा कीजिए, इकट्ठा करके काउंट कीजिए, गणना कीजिए कि कितना है, तो यह दोनों ही विधियां हम लोग की सही है, ए और बी हम लोग का दोनों ही यहाँ पे क्या है, सही, ठीक है, यस हम छोड़ दीजिए। बोल रहा है क्वेश्चन नंबर लास्ट है हम लोग का 60 नंबर क्वेश्चन है कि अवधारणा समरूप का परिचय देने के लिए, ठीक है, श्रुषि कमला ने अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध कराए, एक टीचर है जो कि अपने छात्रों को अलग अलग अनुभव उपलब्ध करवा रही है, जैसे कि भिन्न आकार का प्रतिमान, ठीक है, भिन्न यानी कि फ्रैक्शन में जो भी हम लोग का है उसका प्रतिमान बना रही है, हम लोग ब्लैक बोर्ड पे एक सर्कल बना दिए, उसको 4 भागों में बांट दिए, उसमें से 2 भाग को कलर कर दिए, उसका भिन्न अगर बन रहा है तो क्या होगा, उसका भिन्न कैसे बनेगा, आप सबसे पहले तो अपना फेस ठीक कीजिए, ठीक है, हम एक ब्लैक बोर्ड पे एक सर्कल बना दिए, उस सर्कल को 4 भागों में बांट दिए, उसमें से सपोज दैट 1 भाग को हम कलर कर दिए, तो हम लोग का क्या हो गया, 1/3 हो जाएगा, सॉरी 1/4 हो जाएगा, यानी कि 4 में से 1 भाग जो क्या है हम लोग का कलर भाग है, मान लीजिए वो पिज्जा का एक पीस है जिसको हम निकाल के खा गए, ठीक है, तो 1/4 भाग हो जाएगा हम लोगों का, ठीक है,
इस तरीके की अवधारणा वो प्रतिमान बच्चों को दे रही है। कंप्यूटर द्वारा आकृतियों के चित्रों का प्रेक्षण, समूहों में विचार विमर्श इत्यादि, कंप्यूटर के माध्यम से बच्चों को भिन्न भिन्न आकृतियां दिखा रही है कि देखो इसको ट्रायंगल कहते हैं, इसको रेक्टेंगल कहते हैं, इसको सर्कल कहते हैं, इसको ओवल कहते हैं, ये सारी चीजें बच्चे को वो दिखा रही है। और बच्चों को साथ ही साथ उसमें विचार विमर्श करने को भी कह रही है कि सोचो देखो कितने डिफरेंस है दोनों में, कितने कितने अंतर है, क्या क्या अंतर है, विचार विमर्श करने के लिए भी कह रही है बच्चों को। तो श्रुति कमला का आशय अभिकर्ताओं को बहुत अनुभवों को उपलब्ध कराना है, जिससे बच्चे क्या हो, बच्चों को थोड़ा खाली समय मिल जाए, बच्चे को वो अनुभव दे रही है ताकि बच्चे को थोड़ा खाली समय मिल जाए। दूसरा बोल रहा है मंद बुद्धि अधिगमकर्ताओं को सहायता मिले, जो मंद बुद्धि वाले अधिगमकर्ता हैं, बच्चे सीखने वाले हैं, उनको इससे थोड़ी सहायता मिल जाएगी। प्रतिभाशाली अधिगमकर्ताओं को सहायता मिल जाए या सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं पर प्रबल हो जाए। यहाँ पे हम पार्शलिटी नहीं करेंगे कि मंद बुद्धि वालों के लिए ही ये इस तरह की शिक्षा दे रहे हैं, चाहे प्रतिभाशाली बच्चों के लिए ही ये शिक्षा दे रहे हैं। हम सबको इंक्लूसिव स्कूल लेके चल रहे हैं, हम सभी बच्चों के आवश्यकताओं को प्रबल करने के लिए। बच्चे सेफ देख रहे हैं, कंप्यूटर में किसी चीज को देख रहे हैं, आप बच्चों को किसी प्रोजेक्ट वर्क पे कुछ स्टडी करवाइए ना, जो बच्चे क्लास में कभी अटेंड नहीं रहते हैं, जो बच्चे क्लास में कभी रुचि नहीं लेते हैं, कभी पढ़ते नहीं है, आप किसी प्रोजेक्ट वर्क पे उस बच्चे को कुछ पढ़ाने की कोशिश कीजिए, देखिए कितना अच्छे से अटेंशन होके एकदम बैठ जाएगा कि आज मैम नए तरीके से बता रही है, ब्लैक बोर्ड पे पिक्चर्स दिखा के बता रही है, बच्चा उसमें इंटरेस्ट लेगा, वो उस चीज को उस दिन वो जानेगा ना, वो उसके माइंड में स्टोर रह जाएगा हमेशा के लिए। तो क्या हर है उसके अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं को वो और अधिक प्रबल कर रही है, वो सभी की आवश्यकताओं को प्रबल कर रही है। अगर आपके पास प्रोजेक्टर नहीं है, आप क्लास में कोशिश कीजिए कि ज्यादा से ज्यादा क्या कर सके, प्रोजेक्ट नहीं है कोई मॉडल दिखाइए, मॉडल नहीं है ब्लैक बोर्ड पे, आप खुद से पिक्चर्स तो ड्रॉ कर सकती हैं, पिक्चर्स ड्रॉ करके बताइए, पिक्चर्स भी ड्रॉ करके नहीं बता सकते हैं। मान लीजिए हिस्ट्री है, हिस्ट्री में हम बच्चों को कोई पिक्चर ड्रॉ करके नहीं बता सकते हैं, हम उसको फ्लो चार्ट के थ्रू बताएंगे बच्चे को, हम बच्चे को क्या बनाएंगे, ब्लैक बोर्ड पे फ्लो चार्ट बनाएंगे, फ्लो चार्ट के थ्रू बच्चों को पढ़ाएंगे, उसके माध्यम से बच्चों का ध्यान तो आकर्षित होगा, ठीक है, बच्चों की आवश्यकताएं और क्या होगी, प्रबल होगी, उनके सीखने की समझने की आवश्यकताएं अधिक प्रबल होगी। तो सबसे उत्तम तरीका हम लोग का क्या होगा, सभी अधिगमकर्ताओं की आवश्यकताओं का प्रबल हो जाए, ठीक है, समझ में आया? चलिए कोई क्वेश्चन है आप लोगों का, कोई क्वेश्चन है आप लोगों का? नो मैम नहीं है। कल जो क्वेश्चन सेंड किए थे उसको सॉल्व करके आइएगा कल आप लोग। यस यस मैम। जो मैथ्स वाला जो भेजे थे आप लोग को, उसको आप लोग एक बार पढ़ो, अभी भी खुल रहे हैं, दीजिएगा ना, हम टिक लगाएंगे। कहाँ से, वो खरीद ली? खरीद ली, मिल गया। अरे वाह, ले जाइए और बताइए। अब जब मैथ्स आ गया है बुक हाथ में, तो हम जो जो मैथ्स दे रहे हैं उसको बनाइएगा, सॉल्व कीजिएगा, ठीक है, जिसमें केवल सीटेट लिखा हुआ, बीटेट और जेटेट ये सब का नहीं, केवल सीटेट लिखा हुआ, ठीक है। चैप्टर्स कहाँ से स्टार्ट हो रहा है आपको बता देते हैं, लेकिन हम इसको सिखाएंगे तब तो ऐसे कैसे बनेंगे, कोशिश करेंगे, कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं। अभी ड्रेस को ये कर दिया गया, मस्ट कर दिया है ड्रेस, इसलिए कर दिया है ड्रेस कोड ना, कि लोगों के मन में ना, अब कॉलेज में पढ़ने आते हैं हर एक कैटेगरी के पर्सन आते हैं, कोई इकोनॉमिकली स्ट्रांग है, कोई वीक है, सेंटर में ड्रेस में, हाँ फाइनल, हाँ
हमको अपने यूनिफॉर्म लेके ही जाना है। कल चलिए, कल से आप लोग डीलेट कर जाए। मैं ये 30 तारीख से मतलब ड्रेस लेना है। देखिए अभ्यास तीन है ना, महत्तम क्षमा प्रवर्तक, लेकिन इसका फायदा अभी सब कर लेते हैं, फिर अकेले हैं। अभी अकेले ही करते हैं, लेकिन इसमें मेरे बाबू भी है। अच्छा, हम इसको टॉपिक वाइज बताएंगे कल आप लोगों को। महत्तम क्षमा प्रवर्तक से स्टार्ट करेंगे। आप लोग जो क्वेश्चन पेपर सेंड किए हैं उस क्वेश्चन पेपर को सॉल्व कीजिए, ठीक है? और इसके बाद कल हम आप लोगों को महत्तम क्षमा प्रवर्तक जो है वो करवाएंगे। महत्तम क्षमा प्रवर्तक जो है कल हम आप लोगों को करवाएंगे। इसमें सबसे इम्पोर्टेंट नोट्स भी है। ठीक है पूजा जी, आज के लिए क्लास यहीं पे स्टॉप करते हैं। ठीक है मैम। ठीक है।